आज इनको ये एंटीबायोटिक देने आए। ये देखें, ये जो मेरे हाथ में है, ये देख रहे हो कैसे हमला कर रहा है। दोस्तों कुकू की कंडीशन कुछ यूं है, ये देखें। बाकी दोस्तों कुकू जो है ना, उसके लिए यार आप लोग दुआ करें कि सेट हो जाए जल्द अज जल्द। चलो भाई आ गए छत पे, वो ये देख बाहर घूम रहे हैं सारे। चलो अंदर, इनको यहीं रहने दो, ये यहीं सही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई अभी अभी आए हमजा और मैं ऊपर, और सुबह तो मैंने इनका खाना पानी सबको खोल के खिला पिला के सबको नीचे चला गया था, क्योंकि हमारा जो चूचू है दोस्तों उसको देखने गया था मैं। चूचू नहीं, सॉरी कुकू। तो कुकू को देखने गया था, कुकू को भी दाना पानी दिया। उसकी कंडीशन पहले से भी ज़्यादा ख़राब लग रही है हमारे को। बाकी मैं उसको नीचे ले आके आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल दोस्तों हमजा और मैं आज इनको ये एंटीबायोटिक देने आए। ये देखें, ये जो मेरे हाथ में है ये एंटीबायोटिक है, इन सारों के लिए, हमारे जितने भी परिंदे हैं ना इन सब के लिए। तो इस एंटीबायोटिक का ये फ़ायदा है कि अगर इन लोगों को बुखार और कोई भी ऐसी अंदर ज़रा भी बीमारी होगी, कंडीशन थोड़ी अनवेल होगी, तो ये एंटीबायोटिक इनको काफ़ी बेहतरी देगा और इनके इलाज में काफ़ी मदद करेगा और ये लोग सेट हो जाएंगे। तो ये पानी में मिला के देना, हम ये इनको दे दें। और इनको मैंने सुबह से पानी नहीं दिया हुआ, तो हमजा का वेट कर रहा था। भाई साहब उठते ही माशाल्लाह से 1 से 2 बजे हैं, तो अभी उठते ही हैं, तो इनके साथ आया हूँ मैं। और इनको पानी देना यार, बड़े परेशान हो रहे हैं पानी के लिए, देखें हाँप रहे हैं। चलो भाई ये लो, कैसे बनाना है? बोतल में पानी ले। कौन सी वाली? ये बड़ी नहीं हो जाएगी? तो इसमें पूरा मिलेगा ये? 1 किलो पानी के करीब ले ले। ये तो यार गंदा हो रहा है। हाँ इसको पहले धोते हैं दोस्तों, फिर इसके अंदर डालते हैं हम। ये ले भाई, कम कर थोड़ा पानी। नहीं नहीं सही है, ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा डाल देते ना था भाई, और क्या करें, इतने सारे हैं, इन सारे को कौन पूरा करेगा। अच्छे खासे परिंदे हैं माशाल्लाह से, इन सबके अंदर ये पूरा हो जाएगा आराम से दोस्तों। 1 चम्मच और ये थोड़ा सा डालना, थोड़ा सा बस। हमें वैसे मतलब 1 किलो ये बोल रहा है, 1 किलो पानी पता नहीं ये लोग लेकर आए थे, जो तो 1 लीटर समझ आता है शायद, 1 लीटर का हिसाब होता है, या 1 किलो पानी बोला है। तो 1 किलो पानी होगा तकरीबन दोस्तों, तो इसके अंदर भर दिया। बन गया भाई, बन गया। अभी सर्फ लग रहा खुशबू भी आ रही है, हल्की हल्की खुशबू है ना, सर्फ मत पिलवा पता चले, डालो खुद ही आ जाएंगे वो। ये देखें, सुबह से बेचारे प्यासे बैठे हैं, कैसे आ रहे हैं देख के पानी को। तो अभी तो इनको ये हो रहा है, ये है क्या, पीला पीला पानी है ना, तो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों इनको तो डाल दिया, बर्ड्स को भी हम दे दें। आप सारे परिंदों को दे सकते हैं एक एक करके, सारों का हमने खाली रखा हुआ। ये गया अंदर, तीतरों को डालो भाई, तीतरों को मैं डाल दूंगा, देना बहुत नीचे भी देना, थोड़ा बचाना यार। ये मुझे मारता है, हमला करता है दोस्तों। अरे ये देख रहे हो कैसे हमला कर रहा है, पागल हो गई तेरा। ये देखिए देखो कैसे आ रहा है मारने के लिए। ये इसके एग्रेशन जो होती है ना, इसके वो एग्रेशन बोला हूँ, इसकी जो गुस्सा होता है, क्या बोलते हैं, हाँ एग्रेशन ही कहलाएगी इसकी, वो ये दिखा रहा होता है अपनी के, बस तू हाथ चढ़ जा, मैं तुम्हें बताऊँगा मैं हूँ कौन। लो कुछ भी काम नहीं करते लोग, मेरे से डाल देंगे ये कर वो कर, ये निकाल वो निकाल, आए क्यों, ये सब तो मैं खुद भी कर लेता, कहाँ है पानी, वो मारना नहीं। दोस्तों सर्दी की लहर लग गई है और अच्छी खासी सर्दी आ गई है, अच्छी खासी। तो अब हमें यार इन सबको केयर से रखना पड़ेगा बहुत, और सर्दी में ना ये बीमार ज़्यादा होते हैं। मौसम तो अच्छा हो जाता है इनके लिए कि चलो गर्मी से बचते हैं, कि इनको मतलब प्यास व्यास उससे सब बच जाते हैं, लेकिन सर्दी सर्दी होती है, और सर्दी एक मरतबा घुस जाए तो बहुत ख़तरनाक साबित होती है परिंदों के लिए, और बड़ी तादाद में मर सकते हैं। तो खैर चलें दोस्तों, नीचे चलता हूँ और उनको पानी डालूँ मैं, और कुकू की कंडीशन भी दिखाऊँ आप लोगों को। तो भाई वेलकम बैक टू आवर नीचे का सेटअप। तो ये रहे हमारे नन्हे, शुक्र है यार इनमें अब कोई बीमार नहीं पड़ा दोस्तों, ये सारे सेहतमंद है। ये रहा दोस्तों हमारा कुकू, यार कुकू कुछ सेटिंग है, आओ बाहर आओ। दोस्तों कुकू की कंडीशन कुछ यूँ है, ये देखें, अभी भी इसकी बहुत ज़्यादा इसको है अभी जो तकलीफ है ना, और इसका बुखार जो है वो थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा नहीं काफ़ी कम हो गया दोस्तों, ना तप रहा था इस जगह से, और अभी मैं हाथ लगा रहा हूँ इसका नॉर्मल टेम्परेचर है बिल्कुल। बाकी दोस्तों इसको जो मेन मसला है ना वो पॉटी का ही हो रहा है, वॉशरूम का, जो इनके क्या नाम है पेट का मसला होता है वो हो गया है, तो मैंने उसकी एंटीबायोटिक दे दी थी। बाकी दोस्तों कुकू जो है ना, उसके लिए यार आप लोग दुआ करें कि सेट हो जाए जल्द अज जल्द, तो क्या पता बच जाए ये, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश तो कर रहे हैं दोस्तों कुकू के लिए। तो कुकू अच्छा है यार माशाल्लाह बहुत। तो यार इसके इसमें भी मैं भर लूँ यही पानी दोस्तों, कुकू को थोड़ा सा इसके अंदर करते हैं,
ताकि ये पिए। कुको पियो। हाँ शुक्र है इसने खुद पी लिया यार, शुक्र है। चलो आज अंदर जाओ दोस्तों, अंदर की तरफ करके रख दिया मैंने, क्योंकि इस तरफ यार अब जो है ना सुबह इसको हमने थोड़ी सी धूप दिला दी थी इधर रख के, पर अभी जो है ना काफी यकीन माने बहुत हवा चेंज हो गई है एकदम, और ऐसा लग रहा है कि आज ही ठंड आ गई है सारी, तो कुकू के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं चाहूँ तो इसको ड्राइंग रूम में रख लेता, पर दोस्तों घर वालों की प्रॉब्लम है, घर वालों की तो मेन इतनी प्रॉब्लम है, मम्मा की बहुत प्रॉब्लम है। उनको जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सारा जितने जानवर हैं सबको ऊपर क्यों लेके गया था, तो मेन वजह है ये मैं चूहे भी नीचे ले आया, और कुछ अरसे में ऊपर जाएंगे मुझे पता है, क्योंकि हम नहीं रख सकते, तो पहले माँ बाद में कोई बर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें। तो हम फिर से आ गए, ये बड़ी है, ये छोटी छोटी है, छोटी वाली है कितना साइज है, 17 कितनी है, 18 की एक, बस ठीक है, याद रखना ये कोना है। दोस्तों हम जा रहे हैं हमदा और मैं बाहर, अब वो जो हमारा इंक्यूबेटर है ना उसका थर्मोस्टर भी लेना है, वही हमदा ख़राब हुआ है ना, थर्मोस्टर ख़राब हो गया है, तो हमने सोचा लगे आ तो इसकी ट्रे का भी मालूम करते हुए आए कि इसकी ट्रे मिल जाए, क्योंकि हमारे इनकी ना ट्रे बिल्कुल गल चुकी हैं, बेकार और ख़राब हो चुकी हैं, तो अभी चेक करते हैं कि इसकी ट्रे मिल जाती हैं या नहीं, क्या मिलती हैं, चलते हैं डायरेक्ट दोस्तों लेने। चलो गाड़ी स्टार्ट करो, चलें जल्दी और जल्दी आए, वापस भी लगाना है थर्मोस्टर। ये नहीं होगा, कि कहाँ से मिलेगा, इनक्यूबेटर में लगाना है। चलो और शॉप पर आ गए, ये अपना वो है इनक्यूबेटर का है, इनक्यूबेटर का टेम्परेचर अंडे रखते हैं ना, टेम्परेचर के लिए जहाँ भी जा रहे हैं मिल ही नहीं रहा, खराब लगा, चेक करा देंगे, चेक करवा लो क्या बता। चलो भाई नहीं हुआ दोस्तों इसका कुछ भी, चलते हैं आगे, एक और शॉप पे मालूम कर रहा दोस्तों, देखते हैं अब मिलता है या नहीं। दोस्तों हम मालूम करना है इधर ट्रे शॉप के ऊपर, देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है पिंजरे की, मुझे पता आज की तारीख में हमें कुछ मिलेगा, कहाँ जा रहे हैं ना मिल लिया ना ना ना। चलो अब भाई और पकड़े, अच्छा है यार अच्छा लगेगा भाई, एक और शॉप पर आया था मालूम करने दोस्तों, ये मिलेगा कोडू, अच्छा लग रहा प्याला, हमें बोलना इसको पूछ ले कितने का है, कर लेंगे 2000 रुपए। ये नर है ना, मादा नहीं है इसकी, तुम्हारा मंगवाई है, 4000 रुपए का पेड़ मिलेगा, देखते हैं अब यार ये नींद लगवाते अपन खुआरी हो जाती शहर की, देखा 5 महीने आराम, चलो सेट तो हुआ ही है, ये पकड़ो रखो इसे जेब में। A few moments later. चलो भाई दोस्तों ऊपर आ गए, आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ, सबर कर लो, जब ऊपर आता ना आवाज़ें आई देते रहते हैं। खैर दोस्तों यहीं क्यों बैठा हुआ है भाई, हैं चलो उतरो। मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे आवाज़ें क्यों दी जा रही हैं दोस्तों, क्योंकि मैं थर्मोस्टर छत पे ही ले आया हूँ, और मुझे बोल रहा नीचे थे इसको नीचे लगाना था, खैर चलो भूल गया तो क्या। बाकी दोस्तों मैं जहाँ भी गया हूँ ट्रे मुझे इनकी नहीं मिली भाई, वो लोग बोल रहे हैं आप लोहे का वो जो काटते हैं डब्बे टीन टाइप के ऑयल के, तो वो बना के देंगे आपको और उनसे बनवा लेंगे, वो हमेला नहीं यार लोहे का तो फिलहाल फ़ायदा नहीं है, पहले देखते हैं अगर प्लास्टिक वाले इनके मिल जाएँ जैसे तोतों के लगावा, अगर वो मिल गया दोस्तों तो वो ले लेंगे, अगर वो नहीं मिला ना तो फिर बनवाना पड़ेगा मजबूरन, और कोई भी हमारे पास चारा नहीं है। तो दोस्तों ये तो मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। बस ये लगना था सिर्फ इसकी कमी थी, अब इंशाल्लाह इसमें बच्चे निकलेंगे।